तो स्वागत है आप सभी को हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर एपिसोड ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिसमें दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि अभिनव जो है सो हॉस्पिटल में बीमार है और अक्षरा उनकी ज़िंदगी की भीख मांग रही है और अभिनव अभिमन्यु से, और अभिमन्यु जो है वो जब अक्षरा जाती है ना, अक्षरा जब देख लेती है कि अभिनव का हालत कैसा है, अभिनव का जो है ना हालत काफ़ी गंभीर रहता है, ठीक है, और वो जो है सो काफ़ी मतलब कि क्या ही बताएं यार, इतना ज़्यादा मतलब कि वो रहता है ना जो कि दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि जब किसी का पति अगर हॉस्पिटल में भर्ती हो तो वो कैसे रह सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उन लोगों को क्या बोलते हैं डिप्रेशन, जिसको बोलते हैं ना डिप्रेशन, अक्षरा पूरा फुल डिप्रेशन में थी और वो अभिनव का हाल चाल पूछने के लिए डॉक्टर को कॉल लगाती है और सीधा हॉस्पिटल में ही आ जाती है, कॉल नहीं लगाती है सॉरी, और वो वहाँ पे आती है। उसके बाद में वहाँ से हॉस्पिटल में उनका हाल चाल पूछने लगती है। जब हाल चाल पूछती है तो डॉक्टर बता देता है कि इसका सभी मतलब कि जो लीवर, ये क्या बोलता है, हृदय का जो वो रहता है ना स्पीड धड़कन, वो बहुत कम हो गया है। और ये सुनते ही अक्षरा एकदम रो रो के बुरा हाल हो जाती है और अक्षरा काफ़ी ज़्यादा रोते रोते एकदम अपनी होश संभाल नहीं पाती है, और रोते ही जब वो रो रही होती है तभी उसके पास में अभिमन्यु आती है, सॉरी अभिमन्यु आता है। उसके बाद उनको जो है सो अपने सीने से लगा के थोड़ा दिल को तसल्ली दिलाता है, ठीक है, और उधर पूरा फैमिली जो है सो पूरा परेशान रहता है क्योंकि बर्थडे मनाने वाला था। तो अभीर भी अपनी मम्मी को अक्षरा को कॉल करके बोलता है कि मम्मी अभी तक पापा तो आए नहीं, तो वो बोलते हैं बेटा अभी फ़्लाइट का टिकट करवाया हुआ है और ऐसा ही कुछ बोलता है जो कि आ ही रहे हैं, तो वो चीज़ सोच लेता है वो लोग। उसके बाद है सो उनको बोल देता है और कुछ उनके साथ में मतलब कि वो बातचीत करता है। तो यही सीन चलता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और पता चलता है कि दोनों जो है सो काफ़ी मतलब कि ये रहता है, ठीक है, तो दोनों में आपस में काफ़ी ज़्यादा बात विचार होता है और दोनों में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ये होता है, ठीक है ना। तो देखते हैं आगे आने वाले में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, ठीक है। गुंडा ही लगा, क्या बोला जाए इसको, क्या बोलते हैं इसको भी देखिए, गुंडा कौन बोलता है, हम लोग इंसान आदमी है, देख रहा है इतना शरीफ से बैठ के वीडियो शूट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है गुंडा जैसा लग रहा है, देखिए गाइस गुंडा बोल रहा है, देखना इसका चेहरा, देखना एक बार, हम लोग एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं वीडियो बनाने में, देखिए, और ये सब जो वीडियो में डिस्टर्ब होता है ना सब इसी का देन होता है, यही डिस्टर्ब करता है आके, ठीक है। ये गंदा काम, डॉलर येलो डॉलर करवा देगा ये, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। टकला को देखिए, अपना टकला है तो क्या हुआ, यही तो अपना जिंदगी है, अपना खेती है, फिर से उगेगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और सीरियल जो है ना अभी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार भी हो गया। अभी देख सकते हैं हम लोग जहाँ पे शूट कर रहे हैं, ये जगह है जहाँ पे हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं फिलहाल, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या मज़ा आने वाला है, ठीक है, अभी दिखाते हैं आप लोगों को। मेरा टोपी लेके भाग गया है उधर, ठीक है, और वीडियो हम शूट कर रहे हैं क्योंकि हमको मेरा टकला है तो ये लोग बेइज्जती करता है, ठीक है, क्योंकि बाल नहीं है ना मेरा, इसीलिए ये थोड़ा मतलब कि ज़्यादा हीरो बनता है, और इसका बाल है तो हीरो बनता है, लेकिन कभी ना कभी मेरा भी बाल आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो इधर, ये मेरा कैप छीन लिया और यही कैप छीन लिया, अभी हम लोग यहीं वीडियो शूट कर रहे हैं, इसको बहुत मारेंगे हम, मारेंगे अभी दिखा, अभी दिखाए तुमको, आओ आओ दिखाते, कैमरा हिला रहा है, देख रहा है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।